बंद करो। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावास टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। अच्छा कुमार जी, पूरे देश में आज SC ST रेलवे एम्प्लॉयज ने निजीकरण के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया है, पहले तो उसके बारे में बताइए कि आज ही 24 तारीख को, क्योंकि उससे पहले भी आपने कई बार धरना किया है। देखिए ऐसा है, आज 24 सितंबर 2020 को हमने पूरे देश के अंदर निगमीकरण और निजीकरण को लेकर के अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन का एक आयोजन किया था, और इस एकमात्र उद्देश्य इसका ये था कि ये 24 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक करार हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जनरली लोग जानते हैं, और जिस पूना पैक्ट में ये तय किया गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति इस देश के वंचित लोगों को जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन सरकारी निकायों, सरकारी नौकरियों, विधानसभाओं और संसदों में दिया जाएगा। वो इसलिए किया गया था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात समझाने में सफल हो गए थे कि इस देश के जो वंचित लोग हैं उनके साथ सदियों से जानवरों से भी ज़्यादा बदतर बर्ताव होता है, जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से व्यवहार होता है। तो जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात मान ली तो उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया, और उस कम्युनल अवार्ड को लेकर के महात्मा गांधी ने एवरदा जेल में जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे तो वो बंद थे, तो उन्होंने एक आमरण अनशन शुरू कर दिया, और वो आमरण अनशन सिर्फ इसलिए शुरू किया गया था कि इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के बहुत बहुसंख्यक लोग, अगर ये बात मान ली गई तो इस हिंदू विचारधारा से कट के एक अलग से वर्ग बन जाएगा। तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया, पूरे देश के जितने भी लोग थे बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दबाव पड़ा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक करार किया, एक पैक्ट महात्मा गांधी के बीच में किया, जो दो महापुरुषों के बीच में पैक्ट था। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी दो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अम्बेडकर वंचित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, महात्मा गांधी बहुसंख्यक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन दो समाज के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि वंचित समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जनसंख्या के आधार पर सरकारी निकायों में, सरकारी संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में परसेंटेज के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वही रिप्रेजेंटेशन एक रिजर्वेशन बना, और उस रिजर्वेशन के माध्यम से आज जो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का नाम मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर की कड़ी मेहनत के द्वारा मिला है। तो आज जो भारत सरकार ने, इससे पहले भी बहुत सारी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने भी ये शुरुआत की थी, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी, इससे पहले भी जो हमारे रेलवे में जो कारखाने हैं उनको निगम बनाने का काम किया गया था, तो हमने उस समय भी 2019 से भी अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन किया था, और आज भी हमने ये विरोध प्रदर्शन किया। एक ऐतिहासिक दिन बाबा साहब अम्बेडकर के और महात्मा गांधी के बीच में जो करार हुआ था उसको लेकर के, और हमने भारत सरकार को ये जनाने का प्रयास किया कि या तो जो कम्युनल अवार्ड था, दो वोट का अधिकार था, वो हमें दे दो, निजीकरण में आरक्षण को दे दो, या ये निजीकरण बंद कर दो। ये हमारी शर्त थी, ये हम बताना चाह रहे थे। पूरे देश में पूना पैक्ट अधिकार दिवस मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जा रहा है, इसमें रेलवे SC ST एम्प्लॉयज की क्या भूमिका है? देखिए, ये जो 24 सितंबर को पूना पैक्ट को धिक्कार दिवस के रूप में जो मनाते हैं, इसकी भी एक कहानी है। ये शायद बहुत सारे लोग इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मीडिया के लोग भी सिर्फ ये पूछ के रह जाते हैं धिक्कार दिवस के रूप में, ये धिक्कार दिवस हम क्यों मनाते हैं? धिक्कार दिवस हम ये मनाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने जब ये करार किया, और इस करार को करने के बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने साइन किया तो बाहर आके बहुत फूट फूट के रोए थे कि आज मैंने एक ऐसा काम किया है कि इस देश के वंचितों के साथ मैंने एक ऐसा काम किया है जो आगे आने वाला समय है, इनके
तो उसको हम धिक्कार के रूप में मनाते हैं, लेकिन धिक्कार का रूप अलग है। आज जो अनुसूचित जाति जनजाति के एक वर्ग के लोग, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, जिनको रिप्रेजेंटेशन का लाभ मिला है, वो इस देश की मुख्यधारा में आ गए, वो व्हाइट कॉलर पहन के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनको अगर कोई सुविधा मिली है, उनको अगर कोई संसाधन मिले हैं, अगर उनको कोई नौकरियां अगर भारत सरकार के अंदर मिली है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयास से मिली है। और उसी प्रयास को हम आज जो हमने ये किया है, क्योंकि ये रेलवे के अंदर नहीं हो रहा, निगमीकरण रेल के अंदर नहीं हो रहा, निजीकरण रेल के अंदर नहीं हो रहा, BSNL को बेचने का काम किया जा रहा है, आपके एयर इंडिया को बेचने का काम किया जा रहा है, LIC में IPO निकालने का काम किया जा रहा है, ऑयल कॉरपोरेशन को बेचने का काम किया जा रहा है, जो हाईवेज हैं उनको बेचने का काम किया जा रहा है। यानी जहाँ जहाँ सरकार का आधिपत्य है, जहाँ जहाँ सरकार का कंट्रोल है, उस कंट्रोल को निजी हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। जैसे कि रेल के अंदर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी आज रेल परिवार से, हमारे रेल राज्य मंत्री जी आकस्मिक निधन हुआ, उनका कोरोना की वजह से, वो हमारे बीच में नहीं है। ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पूरे देश के अंदर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और तथागत से प्रार्थना की है कि उनके शोक संतप्त परिवार को ये शक्ति प्रदान करे कि दुख को वो सहन कर पाएँ। इसको लेकर के हम लोगों ने पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा किया है, सरकार के सामने ये बताने का काम किया है कि अगर आप निजीकरण कर रहे हो तो निजीकरण में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, निजीकरण में SC ST के रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप निजीकरण करोगे तो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि साजिश के तहत आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी लिए हमने आज 24 सितंबर दिन चुना, उसको आप धिक्कार दिवस समझ लो, उसको आप यादगार दिवस समझ लो, उसको आप स्मरण दिवस समझ लो। हमने सरकार को ये बताने का काम किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, ये दो महापुरुषों के बीच का समझौता नहीं था, क्योंकि वो दो महापुरुष दो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या लगता और है? वो दो समाज, एक वंचित समाज था, एक सवर्ण समाज था, जिसको रिप्रेजेंट करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हासिल किया, उस हासिल के आधार पर जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज मैं जो कह पा रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर की। पूरे देश में सबसे बड़ा SC ST वेलफेयर एसोसिएशन रेलवे का माना जाता है, क्या आपको लगता है कि आप इस सरकार के दबाव में ले पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप अनुसूचित जाति ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा संगठन कह रहे हैं। यस, मैं मानता हूँ अधिकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, 3.5 लाख की मेंबरशिप है पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की। ये मात्र SC ST एसोसिएशन की बात नहीं है, ये पूरे रेल की बात है, पूरे रेल के जितने भी कर्मचारी हैं उनका निगमीकरण हो रहा है, पूरे रेल के जितने भी कर्मचारी हैं उनका निजीकरण हो रहा है। हमारा तो 24 सितंबर को करने का ये मतलब था कि भाई हम सरकार को ये याद दिला पाएँ कि 24 सितंबर को जो करार हुआ था उसको या तो पूरा करो, या जो आप निजीकरण कर रहे हो उसमें आरक्षण दो। अब आप ये कह रहे हैं कि आप क्या रोक पाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार है। हम भी ये मानते हैं बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, हम भी ये मानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम ये उस थ्योरी को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी को। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों की लड़ाई लड़ी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब शोषितों की लड़ाई लड़ी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दबे कुचलों की लड़ाई लड़ी थी, तो इस देश की अंग्रेजी सरकार भी उनके सामने झुकी थी। तो आज भी हम ये बता रहे हैं, जब जब मजदूर देश की सड़कों पर उतरा है, जब जब मजदूर अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलित हुआ है, जब जब मजदूरों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, तो इस देश की क्या विदेशी की सरकारों को भी झुकना पड़ा है और उनको मानना पड़ा है कि अगर मजदूरों के साथ अत्याचार होगा या मजदूरों के साथ अन्याय होगा तो इस देश की सरकार को उनकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। वर्तमान में जो ठेके पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारा जो विरोध है, ट्रेड यूनियन का जो विरोध है, वो यही है कि जो ठेके पे काम दिया जा रहा है, या जो ठेके पे रेल दी जा रही है, या ठेके पे रेल चलाने का काम किया जा रहा है, वो एक शोषण की तरफ जा रहा है। एक मैं उदाहरण दे के आपको बात करना चाह रहा हूँ कि इस रेल के अंदर जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ एक कर्मचारी था, जो
निचले पायदान पर खड़ा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति का वंचित समाज का सफाई कर्मचारी था, सबसे पहले उसका काम ठेके पर दिया गया। और जब वो ठेके पर दिया गया, जो जो ठेकेदार ने जो सफाई का काम लिया, तो उन कर्मचारियों का शोषण करना शुरू किया। जिस रेल के कर्मचारियों को 16,000 या 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उसको ठेकेदार ने मात्र 8,000 या 12,000 रुपये में एंगेज किया, और उस 12,000 रुपये में से भी काट करके सिर्फ 7 या 8,000 रुपये उसको मंथली दिया, बाकी पैसा उससे ले लिया। और शोषण ये हुआ कि उस ठेकेदार का जो कर्मचारी, जो सफाई का कर्मचारी था, उसने अगर रेल के प्लेटफॉर्म नई दिल्ली पे एंगेज किया उसको, तो उससे वहाँ काम कराने के बाद में उसको निजामुद्दीन भेज दिया, उसको फिर नई दिल्ली भेज दिया, उसको फिर क्या नाम है DRM ऑफिस भेज दिया। यानी कि एक कर्मचारी को कम तनख्वाह देने के बाद में ज़्यादा काम लिया, तो ये शोषण हो रहा है। आगे भी यही होगा, आगे भी यही होगा। जो ठेकेदार कर्मचारियों को भर्ती करेगा तो उससे ज़्यादा काम लेगा, कम पैसा देगा और उसका शोषण करेगा। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि वर्तमान में यातायात के सभी संसाधन खोल दिए गए हैं, लेकिन रेलवे को कहीं ना कहीं इसे इतना रखा गया है, कम सेवाएं रेलवे दे पा रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं? आज जो पूरे देश के लोगों को खाना मिल रहा है, वो सिर्फ रेलवे की वजह से मिल रहा है। आज जो रेल को खाद्यान्न सामग्री मिल रही है, आज जो यातायात की बात कर रहा हूँ कि आज जो जितना भी मतलब खाद्यान्न सामग्री पहुँच रही है, वो हमारे रेल के कर्मचारियों में, कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी हों चाहे ठेके कर्मचारी हों चाहे कोई भी कर्मचारी हों, मात्र एक रेल का कर्मचारी ऐसा था, गार्ड और ड्राइवर, जिसने गुड्स ट्रेन चला करके अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल करके, अपनी कोरोना की महामारी से भयभीत न होकर के एक गुड्स ट्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिर्फ इसलिए पहुंचाने का काम किया कि खाद्यान्न सामग्री यहाँ से लेकर के दूसरी जगह करके जो हमारे लोग रह रहे हैं देश के निवासी, उनको खाने का सामान पहुँच पाए। ये मात्र रेल के कर्मचारियों ने किया, कोई दूसरा नहीं किया। तो यातायात का साधन अगर किसी ने चलाने का काम किया, तो वो रेल के कर्मचारियों ने किया है। जो आपके आपके जो 3.5 लाख कर्मचारी हैं, आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको क्या अपील करना चाहेंगे? वो लगे रहेंगे आपके साथ में, डटे रहें, या काम पर वापस जाएं? मैं यही कहूँगा, हमने कोई हड़ताल नहीं की है आज की डेट में, न हम कोई रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, न हम किसी वर्कशॉप को या DRM ऑफिस को बंद कर रहे हैं। हमारा ये सांकेतिक पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन था। हमने ये बताने का काम किया है कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारियों का एक बहुत बड़ा संगठन है। उनके साथ जो हो रहा दुर्व्यवहार है, जो निजीकरण के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के रिप्रेजेंटेशन को या नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। हमारे सारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वो हमारे साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन इस बात से सहमत होंगे कि अगर नौकरियां नहीं रहेंगी तो आरक्षण नहीं रहेगा, अगर सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी तो आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो ये देखती है कि रेल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, रेल एक बहुत बड़ा सरकारी संयंत्र है, जो विश्व का चौथा मतलब रोज़गार देने वाला एकमात्र संसाधन है, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, और वो रोज़गार अगर ख़त्म हो जाएगा तो अनुसूचित जाति जनजाति क्या अन्य जो वर्ग के लोग हैं वो भी रोज़गार नहीं पा पाएंगे। तो मैं उन लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, क्या आज एक विकट स्थिति है कि अगर निजीकरण होता है तो बेरोजगार तो पैदा होंगे ही होंगे, आरक्षण भी ख़त्म होगा। तो मैं आप सभी लोगों से अनुसूचित जाति जनजाति ये लोग मेरी अगर बात सुन रहे हैं, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन से संबंधित नहीं, रेल के अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित नहीं, रेल के जो अन्य कर्मचारी भी हैं जो दूसरे संगठनों से संबंधित हैं, कि अगर रेलवे में सरकारी नौकरियाँ ख़त्म होती हैं तो आपका भी आने वाला जो भविष्य है वो खतरे में है, आपका भी आने वाला जो बेरोजगार युवा है वो खतरे में है। आप सब लोग संगठित होइएगा, आप सब लोग एक मंच पर आइएगा और ये लड़ाई लड़िएगा, क्योंकि अगर रेल वो हो गई, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से लेके आज तक ये रेल सरकार के पास थी, कभी भी निजीकरण में नहीं गई है। पहली बार सरकार ने ये सोचा है कि 109 रूट्स पे 151 ट्रेन हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलवाएंगे, और उनका तर्क ये है कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ देंगे, हम लोग पैसेंजर्स को गंतव्य स्थान पर टाइम से पहुंचाएंगे, तो ये काम हम भी कर सकते हैं, ये काम रेल के कर्मचारी भी कर सकते हैं।
बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आज सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों से, कि कोरोना महामारी एक व्यापक महामारी हो चुकी है, ये पता नहीं कब किसको कहाँ से पकड़ ले। तो आप इसका मतलब यूज़ करते हुए, अपने मास्क का यूज़ करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आप इस लड़ाई को जारी रखिएगा। और मेरा अनुरोध ये है कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा। मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप ये जो निजीकरण की लड़ाई है इसमें आप हमारा साथ दीजिएगा। और मैं दूसरे शब्दों में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेड यूनियन संगठन हैं, जिनको अन्य कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी दे रखी है, जिनको रेल के जितने भी सामान्य वर्ग के कर्मचारी हैं वो भी इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कि अगर आप रेल को बचाने का काम कर रहे हैं, आप रेल की नौकरियों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कंधे से कंधा मिला करके ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन उस ट्रेड यूनियन संगठनों का साथ देगी जो रेल को बचाने का काम करेगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।